यह बिल जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है, ये इन तीनों क्षेत्रों की एक बहुत पुरानी मांग रही है और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। यह बिल पूर्वांचल के उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देगा जिनको अपने सामान्य मामलों के लिए बार बार गुवाहाटी जाना पड़ता था और उस क्षेत्र में पहले से ही पनप रहे अनेक मुद्दों पर जो असंतोष के विषय हैं, उन असंतोष के विषयों को बढ़ाने में वह समस्या एक मददगार होती थी। महोदय, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये भारत के लगभग बहुत सुंदर, सबसे सुंदर प्रदेशों में माने जाते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि इस देश में जो सबसे सुंदर प्रदेश है, चाहे वह कश्मीर हो या मणिपुर, वे अराजक विद्रोही गतिविधियां, भारत विरोधी आतंकवाद, इन समस्याओं से ग्रस्त होकर बाकी देश में एक विडंबनापूर्ण स्थिति पैदा करते हैं। मणिपुर के गोविंद जी मंदिर, मणिपुर का मीतेई और वैष्णव परंपराएं, वहां के नृत्य, वहां की झीलें, वहां के जंगल पूरे विश्व में एक अनूठी आभा और प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं, मणिपुर में संभवतः पूर्वांचल के सबसे बड़े आतंकवादी और अराजक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। इस कारण वहां सामान्यतः प्रशासनिक ढांचा बड़ा बिखरा हुआ सा रहता है। 50 दिन के हड़ताल, 166 दिन के बंद, 66 दिन के बंद, और उसमें तमाम प्रशासन ही नहीं, पूरा वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त और बंद हो जाता है। 1200 रुपए के गैस के सिलेंडर मिलते हैं वहां पे, स्कूल बंद रहते हैं, गांवों में आना जाना बंद हो जाता है। और ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय के ही जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें मणिपुर से ही 8 से अधिक ऐसे संगठन हैं जो प्रतिबंधित किए गए, जिनमें एक संगठन का तो नाम उपसभापति महोदय है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सभी जानते हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमारे पड़ोसी देश की सेना का नाम है और वह मणिपुर में प्रतिबंधित, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित एक आतंकवादी विद्रोही संगठन है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं महोदय कि ये जो उच्च न्यायालय वहां स्थापित किए जा रहे हैं, ये वहां की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने में मददगार साबित होने वाले हैं। वहां के लोग, वहां के वकील अपनी सामान्य कानूनी आवश्यकताओं के लिए सैकड़ों मील उन्हें गुवाहाटी जब आना पड़ता था तो न केवल वहां रुकने की व्यवस्था नहीं, परिचय की एक दिक्कत होती थी और जो ये आतंकवादी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन क्षेत्रों में गुवाहाटी तक के राजमार्ग बंद कर दिए जाते हैं, जो वो प्राणवाहिनी है, लाइफलाइन उनकी है, वे तमाम राजमार्ग बंद कर दिए जाते हैं। उस कारण से विशेष रूप से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों को जो बेहद कठिनाई होती थी, उस कठिनाई का समाधान ये उच्च न्यायालय बनने के कारण होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मणिपुर न केवल अपनी वैष्णव परंपरा के कारण विख्यात रहा है, बल्कि मणिपुर और नागालैंड को जोड़ने वाली एक और विख्यात विभूति जो कानून के क्षेत्र में बहुत नाम रहा, उनका नाम था रानी गाइडिनल्यू। वो 16 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ी और अंग्रेजों ने उनको तमाम कानून धता बताते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस 16 साल की गुरिल्ला योद्धा गाइडिनल्यू से मिलने कोहिमा की जेल गए और उन्होंने अपनी जीवन कथा में लिखा है कि शी वाज सो मैजेस्टिक एंड रॉयल इन हर लुक्स दैट इंस्टेंटली आई कॉल्ड हर अ रानी। वह एक सामान्य देशभक्त योद्धा थी, लेकिन जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिनल्यू के लिए रानी शब्द का उपयोग किया, तब से
उन्हें रानी गाइदिल्ल्यू कहा जाने लगा और वे मणिपुर में पैदा हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको ताम्रपत्र और पद्म विभूषण देकर नवाजा था। ये जो परिस्थिति रही कानून के उल्लंघन की, कानून के अज्ञान की भी, इस परिस्थिति के कारण भी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। और ये जो उच्च न्यायालय बनेंगे, इन उच्च न्यायालयों की वजह से वहां के आर्थिक सुधारों को भी एक बहुत बड़ा सहारा और संबल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार के उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बनाया जाएगा, जिनको बहुत सैकड़ों मील कठिनाइयों का सामना करते हुए गुवाहाटी तक आना पड़ता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, इसी प्रकार का एक बिल आईएएस कैडर को भी पृथक करने के लिए विचाराधीन है। मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा को, मेघालय को असम के साथ जोड़ा गया है, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा की एक संयुक्त आईएएस सेवा है। उनकी मांग है 2004 से कि उनकी भी आईएएस कैडर को पृथक किया जाए। ये जो पूर्वांचल के ये क्षेत्र हैं, ये अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए वर्षों बरस दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहने पर मजबूर होते हैं। 10 साल 15 साल इनकी छोटी छोटी डिमांड्स पर विचार करते रहते हैं और उस पर फैसले नहीं किए जाते हैं। हाई कोर्ट्स की भी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन उसमें जो आवश्यक सामान है वो अभी तक वहां पे लाया जाना बाकी है। वे लोग पूछते हैं कि एक सामान्य हमारी जो मांग है उसके लिए दिल्ली का दरबार 10-10, 20-20 साल तक हमको प्रतीक्षा क्यों करवाता है। उनकी छोटी सी मांग होती है कि कहीं उच्च न्यायालय हो, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं पर उनका सैनिक स्कूल खोले जाए और उनको बाकी शेष देश के प्रदेशों के अनुसार आईएएस के कैडर उनको अलग अलग रखे जाए। लेकिन जब उनकी ये सामान्य मांगे भी नहीं मानी जाती है तो इस कारण वहां एक विद्रोह और गुस्सा पैदा होता है। महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल में जो नागालैंड की स्थिति है, वहां पर गृह मंत्रालय की ओर से एक संदेश वहां गया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रा स्टेट लाइकली फॉर नागालैंड। यह एक बहुत खतरनाक संदेश पूर्वांचल के क्षेत्रों को जाता है। आप मणिपुर में उच्च न्यायालय खोल रहे हैं, मणिपुर को सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज का है तो वह नागालैंड की योजना से है। नागालैंड की योजना के अंतर्गत वहां 73 नागालैंड में अरुणाचल और मणिपुर और मेघालय, यहां के अनेक तथाकथित नागा बहुल क्षेत्रों को वे नागालैंड में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों जब मणिपुर में चुनाव हुए तो नागालैंड के विद्रोही नेता और वहां के शासकीय नेता भी जब मणिपुर के नागा बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए भाषण देने के लिए गए तो उनका कड़ा विरोध किया गया। ये विरोध इसलिए किया गया क्योंकि मणिपुर को लगता है कि संभवतः गृह मंत्रालय किसी दबाव में आकर मणिपुर के उन क्षेत्रों को जहां नागा क्षेत्र के विद्रोही संगठन यह दावा करते हैं कि ये नागालैंड के अंतर्गत आने चाहिए, वे क्षेत्र मणिपुर से काटकर नागालैंड में शामिल न कर दिए जाएं। इस भय का भी निस्तारण किया जाना चाहिए। आप वहां पे उच्च न्यायालय दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि वहां कम से कम विवाद ऐसे हो कि जो अदालत की शरण में ले जाए जाएं, अधिकांश विवाद वे स्वयं ही हल कर लिया करें। लेकिन उच्च न्यायालय के साथ वहां पे एक और ये मांग शुरू हो गई है कि गृह मंत्रालय यह भी स्पष्टीकरण करे कि मणिपुर का कोई भी क्षेत्र जो नागालैंड के अंतर्गत चर्च के समर्थन में, क्योंकि चर्च वहां पर माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित है, वह वहां के विद्रोही और अराजक संगठनों को खुले आम समर्थन देता है। और जब ये नागा विद्रोही संगठनों से बातचीत होती है तो भी उसमें चर्च की भूमिका रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उच्च न्यायालय तो वहां पर दे दें लेकिन इसके साथ ही एक और उन नागा क्षेत्रों को मणिपुर से न देने के लिए एक नया आंदोलन शुरू हो जाए। हम इस अवसर पर यही एक अनुरोध करना चाहेंगे
कि पूर्वांचल उत्तर पूर्वांचल देश का मुकुटमणि क्षेत्र है। पहले भी मैंने बताया कि प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने इस पूरे उत्तर पूर्वांचल को यक्ष प्रदेश कहा, रुक्मिणी का प्रदेश कहा, कृष्ण का प्रदेश कहा। अरुणाचल में भीष्मक नगर प्राचीन यादव संस्कृति का एक असाधारण अनूठा नमूना है, जहां पे कृष्ण और रुक्मिणी की गाथाएं आज भी गाई जाती है। वहां परशुराम कुंड है, मणिपुर का क्षेत्र मणि कांचन का क्षेत्र माना जाता है, जहां गए बिना भारत की संस्कृति को समझना कठिन होता है। ऐसे क्षेत्र में अराजकता और आतंकवाद से भी गृह मंत्री जी मुक्ति दिलाएं। वे लोग आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि वहां भारत और भारतीयता के विरुद्ध जो एक विद्रोह का वातावरण है वे जल्दी से जल्दी समाप्त हो। उपसभापति महोदय, वहां 15 वर्षों से हिंदी प्रतिबंधित है, मणिपुर में हिंदी की फिल्में नहीं दिखाई जा सकती। आप वहां केवल दक्षिण कोरिया की फिल्में दिखा पाते हैं, हिंदी वहां पर पढ़ाई नहीं जा सकती। वहां की पाठ्य पुस्तकों के अंत में जो राष्ट्रीय गीत होता है वह वहां से हटा दिया गया है। वहां के विश्वविद्यालयों में जो भारत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग हैं उनकी आवाज विश्वविद्यालयों में गुंजाई जाती है। वहां गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस खुलेआम नहीं, सुरक्षा सैनिकों के संरक्षण में ही मनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर विद्यालयों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाने के उत्सव जो है बड़ी कठिनाई से होते हैं। मैं वहां गया हूं, जाकर उन लोगों से मिला हूं, वे केवल एक ही बात कहते हैं कि मणिपुर देशभक्त प्रदेश है। मणिपुर भारत से केवल एक ही आशा करता है कि वह हमारे दुख में संवेदना रखे और हमारे साथ एक सहानुभूति का व्यवहार करे। वहां पे जब 200 दिन के लगातार राजमार्ग रोके जाने के आंदोलन होते हैं तो दिल्ली के लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं कि वहां चिकित्सालय बंद, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, बाजार बंद, सब्जी नहीं, केरोसिन नहीं, गैस के सिलेंडर नहीं, उसके बावजूद वह 180 दिन और 200 दिन के तमाम जो हड़तालें हैं उसको भुगत कर भी तिरंगे के प्रति वफादार रहते हैं। ऐसे प्रदेश को जहां अधिक विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसे प्रदेश में हम उनको इन तमाम अराजक आतंकवादी और विद्रोही संगठनों के हवाले छोड़ देते हैं, जो अपनी प्रेरणा पड़ोसी देशों के विद्रोही और उनकी फौजों से के नाम पे अपने विद्रोही संगठनों के नाम रखते हैं। वे लोग केवल शांति और देशभक्ति चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र में आप मेघालय और त्रिपुरा में भी जब आप उच्च न्यायालय स्थापित कर रहे हैं तो मैं आपको साधुवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय वहां के क्षेत्र की जो मांग है उसको पूरा करने में समर्थ होंगे और ये उच्च न्यायालय स्थापित होने के साथ साथ वहां पे शांति और एकता की भी बात सरकार करे, स्थापित होए।